मांगरो डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित डॉक्टर सम्मान समारोह निमित्ते मेगा ब्लड डोनेशन कैम्पनु आयोजन तारीख 11/2/2024 रविवार रोज मांगरो मुकामे सीनियर डॉक्टर सम्मान समारोह निमित्ते एक मेगा ब्लड डोनेशन कैम्पनु आयोजन थयु। तारीख 11/2/2024 रविवार मांगरो मुकामे सीनियर डॉक्टर सम्मान समारोह निमित्ते मेगा ब्लड डोनेशन कैम्पनु आयोजन थयु। रक्तदान कैम्पमां श्री राम ब्लड बैंक पोरबंदर तेमज जीएमईआरएस ब्लड बैंक सिविल होस्पिटल जूनागढ़ सेवारत रही। एकता फाउंडेशन, संजीवनी नेचुरल फाउंडेशन, खारवा समाज, शिवम चक्षुदान आरेणा, रहीज गाम समस्त, पोलिस विभाग, बीआरएस कॉलेज मांगरो, दर्दी सेवा समिति जिलानी, वेलफेर सेवा समिति वगैरोए पण साथ सहकार आपेल हतो। रक्तदान थकी कैंसरग्रस्त दर्दियों, थेलेसेमियाग्रस्त बाळको, सगर्भा महिलाओं तेमज अकस्मात केसोमां मददरूप थई शकाय। रक्तदान करनार आश्रे 175 जेटला रक्तदाताओए अगाउथी लिंकमां ऑनलाइन फॉर्ममां भरी अगाउथी रजिस्ट्रेशन करावी हतुं, जेनाथी रक्तदाताओ करनारनी संख्यानो ख्याल आव्यो अने व्यवस्था आयोजन सारी रीते थयुं, जेनाथी कैम्पने पण वधु सफळ बनावी रक्तदान करता दाताश्रीओ ने रक्तदान केम्पो योजनार आयोजकों ने वंदन के जेमना थकी केटलाय लोकोने नवी जिंदगी मळे छे। जे व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष થી 50 वर्ष सुधीनी है ते तमाम स्त्री पुरुष रक्तदान करी सके छे। जेमनु वजन 45 किलोग्राम थी वधु छे ते तमाम रक्तदान करी सके छे। जेमने एचआईवी, हिपेटाइटिस, बी हिपेटाइटिस सी, कैंसर जेवा जीवलेण रोगों छे ते रक्तदान करी सके नहीं। सगर्भा के स्तनपान करावती माताओं रक्तदान करी सके नहीं। रक्तदान करवाथी अपना शरीरना ब्लडना बधा ज रिपोर्ट थाय छे, जेना लीधे शरीरमां कोई तकलीफ होय तो तेनो ख्याल आवी सके छे। रक्तदान करवाथी शरीरमां नबळाई आवी सके ते खोटी मान्यता छे, એવું કશું થતું નથી। હાલ કેટલાય બાળકો થેલેસેમિયા રોગથી પીડાય છે, જેઓની જિંદગી રક્તદાતાઓ પર નિર્ભર રહે છે। આવા બાળકો માટે રક્તદાન કરવું અવશ્ય છે। કેટલાક કિસ્સામાં સગર્ભા મહિલાઓને પ્રસૂતિ સમયે રક્તની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે, આવા સંજોગોમાં રક્તદાન ખૂબ જ જરૂરી છે। કોરોના કાળમાં થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકો માટે રક્તની જરૂરિયાત ખૂબ જ રહેતી, આવા કપરા સમયે ઘણા રક્તદાતાઓએ રક્તદાન કરી માનવતા મેકાવી છે। આ રક્તદાન શિબિરમાં રક્તની જરૂરિયાતના સમયમાં આપનું યોગદાન આપનાર તથા હાજર રહેનાર બધાનો આભાર અને માનવતાના કાર્યક્રમમાં ઈશ્વર આપને નિરોગી રાખે તેવી શુભકામના। એવાન અલ્પેશ કગરાણા, જૂનાગઢ।